नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 11 अक्टूबर 2024 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते आज की मुख्य खबरें। महिलाओं के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला। सीएम मोहन सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए 52 जिलों में 57 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। इसका मकसद किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर सभी तरह की मदद उपलब्ध करना है। इसके तहत महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण और रोजगार में मदद किया जाएगा। उज्जैन में किसानों ने रैली निकालकर जताया विरोध। उज्जैन में औद्योगिक विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके विरोध में उज्जैन में किसानों ने रैली निकालकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उनके पास कृषि भूमि के अलावा कोई और रोजगार नहीं है, ऐसे में सरकार को भूमि अधिग्रहण को लेकर रोक लगाना चाहिए। उज्जैन में औद्योगिक विकास के लिए विक्रम उद्योगपुरी का निर्माण किया गया है, जिसमें सरकार ने 2000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया था। मोहन, तुम प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव से कहा, मोहन तुम प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरा साथ है। क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों पैसे देगी। इसके बाद बुधनी विधानसभा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, सीएम मोहन ने कहा हमारी सरकार गरीब और किसानों की सरकार है। सीएम मोहन यादव ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 57 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 18 करोड़ 94 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 38 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश में 11 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मोहन सरकार दिवाली से पहले 11 लाख से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को अक्टूबर का अग्रिम वेतन दे सकती है। वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में प्रस्ताव जारी कर दिया है। अक्टूबर में कई त्योहार हैं। वेतन 1 या 2 नवंबर को देने के स्थान पर 28-29 अक्टूबर को दे दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अधिकारी कर्मचारियों के दिवाली त्योहार में 4 चांद लग सकते हैं। बिना लाइसेंस खाद का भंडारण करने पर कार्रवाई। जबलपुर में बिना लाइसेंस नकली डीएपी खाद का भंडारण करने पर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने 44 बोरी नकली डीएपी जब्त कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबलपुर जिला प्रशासन ने बेलखेड़ा स्थित नमस्वी कृषि एग्रो पर जांच दल के साथ दबिश दी। इस दौरान प्रशासन ने मौके से 44 बोरी आईपीएल कंपनी की नकली डीएपी बरामद की है। बताया जा रहा है कि बिना उर्वरक लाइसेंस के भंडारण किया गया था। फिंगरप्रिंट मिसमैच तो रेटिना से होगा मिलान, परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद बदला। मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से प्रदेश भर में प्रारंभ होने जा रही शारीरिक परीक्षा में अभ्यर्थी का फिंगरप्रिंट मिसमैच होता है तो रेटिना का मिलान होगा। रेटिना मैच होने पर ही प्रवेश मिलेगा। अगर रेटिना भी मिसमैच होता है तो भर्ती के नोडल अधिकारी ही तय करेंगे कि अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होगा या नहीं। जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी। ये बदलाव पहली बार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया संपदा 2.0 का शुभारंभ। अब घर बैठे करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी दस्तावेज पर लोन की जानकारी देखी जा सकेगी डिजिटली। प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति के ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को राजधानी के कुशाभाव ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से पंजीयन विभाग की नवीन तकनीक पर विकसित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के अमल में आने से संपत्ति को लेकर किसी तरह के फर्जीवाड़े का संदेह भी नहीं रह जाएगा। इसके लिए प्रत्येक संपत्ति की जीआईएस मैपिंग की गई है। आधार नंबर दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। 6 राशन दुकानों से हजारों क्विंटल राशन गायब। गरीबों के गेहूं, शक्कर व मूंग में हुई हेरफेर, जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं हुई एफआईआर। आदिवासी जिले डिंडोरी में गरीब तबके के लोगों को राशन दुकानों के माध्यम से बंटने के लिए आए राशन में बड़ा हेरफेर करने का मामला सामने आया है।
उचित मूल्य की राशन दुकानों से हजारों क्विंटल चावल, गेहूं, शक्कर और मूंग गायब कर दी गई। मनमानी की हद तो यह है कि मामला उजागर होने के बाद विभागीय स्तर से इसकी जांच भी हुई। जांच में 6 राशन दुकानों के सेल्समैनों पर स्पष्ट तौर पर राशन गायब करना उजागर भी हुआ। किराए में 50% छूट के बावजूद नहीं मिल रहे पीएम श्री को यात्री। पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा के तहत इंदौर से उज्जैन के बीच उड़ान सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन यात्री नहीं मिल रहे हैं। वहीं कंपनी ने अपना डिस्काउंट बढ़ाकर 50% कर दिया है, फिर भी 6 सीटर विमान में इक्का दुक्का यात्री ही सफर कर रहे हैं। कंपनी इंदौर से जबलपुर और भोपाल के लिए सीधी उड़ान संचालित कर रही है।